नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। उधारी और कुणाल जो इसमें काम कर रहे हैं, दोनों नए तो नहीं हैं, दोनों टैलेंटेड जरूर हैं, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को। क्या क्या फ्यूचर देखते हैं आप उधारी का? क्योंकि एज अ डांसर तो बहुत अच्छे हैं वो, एज अ एक्टर के निखर के आए हैं। फ्यूचर मैं कैसे बता सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं लगता फ्यूचर बता सकता है किसी का। तो ये उनके दोनों टैलेंटेड है, काम करेंगे अच्छा। आपकी कौन सी प्रोजेक्ट से जो आने वाले हैं? अभी जस्ट मैंने परवरिश कंप्लीट किया है। तो बताएंगे परवरिश के बारे में? नहीं बता। स्टार कास्ट है? आरतीश पांडे, यश मिश्रा। कब तक दर्शकों के बीच आएगी ये? अगस्त तक आना। नई फिल्म का मुहूर्त किया गया है जिसमें उधारी बाबू नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे बारे में? उधारी को क्या शुभकामनाएं देंगे? उधारी सुपर स्टार, उधारी छोटा भाई है और बहुत खुशी की बात है कि आज उसके फिल्म के ओपनिंग पर हम लोग आए हैं, मुहूर्त पर आए हैं। तो मेरा आशीर्वाद है उधारी को आगे बढ़े। और सबसे खुशी की बात है कि इसमें सब सीनियर्स लोग, अवधेश मिश्रा जी, बड़े भाई सुशील भैया, संजय भैया, अवधेश भैया के साथ उधारी को एक अच्छा सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और काम अच्छा करेगा। सबसे पहले तो उधारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक्टर का एक सपना होता है कि वो हीरो बने और उधारी को एक मौका मिला है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि उधारी मेरे बलिया का है, हमारे गांव का है और उसके लिए मैंने एक फिल्म के लिए बात की थी, वो फिल्म भी वो कर रहा है लेकिन उससे पहले ये फिल्म कर रहा है। तो उधारी को सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि भृगु महाराज ने उसको एक मौका दिया है तो इस मौके को खूब भुनाए, अच्छा चौका मारे इस पर। और इस फिल्म में जितने भी सह कलाकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, सबसे कमाल का अभिनेता जिनको देखकर मैं हमेशा सीखता आया हूँ, अवधेश जी, सुशील भैया, संजय भैया और मनोज टाइगर जी, तो ये इनसे अगर किसी भी हीरो का डेब्यू ऐसे एक्टरों के साथ हो तो उसके पास सीखने की बहुत ही संभावनाएं हैं। वो चाहे उधारी अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर ले इनके साथ, तो उधारी को मैं इतना ही बोलूँगा कि आपके साथ सब स्कूल अभिनय के महारथी लोग हैं तो उनसे अपने अभिनय को एकदम पॉलिश करते रहें और अच्छा करें। और आदित्य जो हैं इसमें दूसरे हीरो, वो भी बलिया के हैं, तो मेरे तो बड़ी खुशी की बात है कि दोनों लोग बलिया के हैं और एक बलिया का दो हीरो है और मैं विलेन तो हूँ ही। और रामदेवन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ही दिल से मैं चाहता था कि वो डायरेक्टर बने और उनको उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी पहले इस फिल्म के पहले, बट किसी वजह से मेरे लायक इस फिल्म में रोल नहीं है, उन्होंने सुबह फ़ोन किया था। पर मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कोरियोग्राफर जो कि बहुत ही टैलेंटेड है आज वो डायरेक्टर से डेब्यू कर रहे हैं, तो रामदेवन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामदेवन सर के बारे में जितना मैं बोलूँगा वो तो कम ही होगा क्योंकि वो टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे मास्टर जी इंडस्ट्री को उन्होंने दिया है, अपना योगदान दिया है और अच्छा डांस मास्टर के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। तो डायरेक्शन में उधारी को लेकर अगर वो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे और मेरा हार्दिक शुभकामना है मास्टर जी के साथ भी कि ये फिल्म की पूरी टीम के साथ ये फिल्म बहुत अच्छी बने और दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस फिल्म को आशीर्वाद प्यार दें। थैंक यू आप सबको मेरी तरफ से। बहुत सारे कलाकार हैं, मतलब सारे मंचों के कलाकार इसमें नजर आ रहे हैं, मनोज टाइगर से लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधारी सुपरस्टार नाम में ही बहुत दम है और ऑब्वियसली वो हमारी नज़र में ऑलरेडी सुपरस्टार है बिकॉज वो बहुत अच्छा डांसर है और अब एक्टिंग में अपने कदम रखने जा रहे हैं तो हम सब लोग उसके साथ हैं। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं इसमें, अवधेश जी हैं, अनीता जी हैं, उधारी जी हैं, मनोज जी हैं, सुशील जी हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो आई एम सो हैप्पी, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन अलग तरह का फॉर्मेट लग रहा है ये तो फिल्म का पोस्टर से लग रहा है कि ये फॉर्मेट कुछ अलग है, कुछ अलग हटके पहले।
आप हाँ सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप लोगों को नहीं बता सकते अभी, जब फिल्म आएगी या ट्रेलर आएगा आप लोग खुद ही समझ जाएंगे क्या सब्जेक्ट है। पर हाँ, एक फैमिली की स्टोरी है, एक लड़के के सपने हैं, बहुत ज़्यादा सपने हैं, तो माँ बाप, माँ बहुत ध्यान देती है, बाप तो खैर नहीं देता, बट थोड़ा सा फैमिली स्टोरी है। और भोजपुरी मार्केट जो फिल्मों का मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, पिछले कुछ सालों में मतलब बड़े बड़े फिल्में बनी हैं तो काफ़ी बदलाव आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि लेवल उसका बहुत ऊपर गया है, बहुत अच्छी बजट की फिल्में बन रही हैं, स्टोरीज बेसिस पे बन रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी है, हर फिल्म में एक स्टोरी है, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छे लेवल पे फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए कलाकार इस फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, बाहर के जो नॉन यूपी के जो लोग हैं वो भी इस इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। आप भी बताइए, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगी, मैं तो इस फिल्म की हिस्सा नहीं हूँ, बट सब कुछ देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छा है और शायद बहुत अच्छा बनेगा। बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, एक बात और बोलना चाहूँगी सबके लिए, सरप्राइज और कुछ सरप्राइज। कब तक रिलीज करना चाहेंगे? अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, हमारे जो प्रोड्यूसर है तुलिप जी, वही ये सारी चीज़ें डिस्कस, अभी तो शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी शूट आज से स्टार्ट हो गया है, तो जब शूट ख़त्म होगा तो वही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात। फिल्म का आज मुहूर्त किया गया है जिसमें उदारी बाबू जो बहुत अच्छे डांसर है लेकिन एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में और फिल्म के बारे में? पहले तो उधारी के बारे में बोलूँ कि उधारी को मैंने पहली बार देखा था किसी मंच पे, और उसके डांस एक्ट को देखा था, मैंने पूछा था कि ये कौन है, तो लोगों ने बताया उधारी करके है। उससे मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने बोला था कि इसको हीरो बनना चाहिए, और मैंने अपने लेवल पे कोशिशें भी करी कि कुछ डायरेक्टर्स को बोलूँ कि यार इसको लेकर फिल्म बना, और आज ये किस्मत ने उसको हीरो बना के भेजा है, और मैं उसमें उसके पिता का ही किरदार निभा रहा हूँ, एक बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस ट्रैक पे आजकल फिलहाल मैं चल रहा हूँ उसी की एक उत्कृष्ट श्रृंखला में ये कैरेक्टर भी आता है, तो बस समझिए कि उधारी और मेरा एक पिता पुत्र का बॉन्डेशन कैसा होता है, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो फिलहाल शूटिंग होनी है। उधारी के साथ एक और एक्टर है आदित्य, वो भी मैंने उनके साथ कभी किया नहीं है, लेकिन डायनेमिक पर्सनालिटी है, बस सबसे पहले तो चेहरा मन का दर्पण होता है, वहाँ लगता है कि इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो उनके लिए तो बस ये बोलूँगा कि दुआ दूंगा कि निश्चित तौर पे इस फिल्म से जुड़े हैं, एक अच्छी फिल्म, सुदृढ़ फिल्म बनने जा रही है, इसके निर्देशक अच्छे हैं, इसकी निर्मात्री हैं तुलिप सिंह जी, सुनील जी इसके उनके प्रोड्यूसर पार्टनर हैं, तो इन लोग को मिल करके जितनी अच्छी सोच के साथ एक निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि सब चीज़ सही होगा, अच्छा ही होगा। आदित्य को बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो इस फिल्म के लिए। उधारी को तो पहले से जानता था, मैं उनको अच्छी तरह से नहीं जानता था, जाना कि एक अभिनेता के रूप में इसमें हमारे सामने है वो। जी, कई हिट गाने दे चुके हैं रामदेव जी, एज अ डायरेक्टर वो आ रहे हैं, आपको लगता है कि एक अच्छे कोरियोग्राफर के बाद अब एक अच्छे डायरेक्टर शामिल होंगे? नहीं, रामदेवन पहले भी डायरेक्टर बन चुके हैं, एक फिल्म थी हमारी काली, इसके निर्मात्री भी तुलिप जी ही थी, वो काली तकरीबन बन ही चुकी है लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, विनय आनंद जी थे, मैं था उसमें, विलन था मैं, पर रामदेवन उस फिल्म को ही निर्देशित कर रहे थे, और रामदेवन और मैं एक साथ हम लोग एक फिल्म से हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में करियर शुरू किया था, दुल्हाई सिंचाई से, और तब से मैं रामदेवन जी को देख जितना देख रहा हूँ, एक नृत्य निर्देशक के रूप में उन्होंने जो कीर्ति स्थापित किया है, उनके तमाम गाने तकरीबन हिट ही हुए हैं, तो जो उसमें भी नृत्य निर्देशक ही बोला जाता है, केवल नृत्य हटा दीजिए, और ये डांसिंग फिल्म है एक तरह से, इसमें स्क्रिप्ट लेवल पे है कि उधारी जो हीरो बनता है एक डांसर हीरो बनता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त वो निर्देशक हैं, इसलिए उनको इस फिल्म में रखा गया है। सर, पोस्टर में उपासना भी मुझे दिख रही है, काफ़ी समय बाद वो शायद भोजपुरी फिल्म करने जा रही है।
नहीं पहले भी इन्होंने बहुत किया है। नहीं काफी समय बाद पूरी करने जा रही है वो, पहले तो बहुत सारी फिल्में की है। तो क्या उनके बारे में क्या बोलूँ, अच्छी अभिनेत्री है। आपने किया है उनके साथ? हाँ मैंने कई फिल्में किया है, गुदगुदी है वो, एक केसी बुकाड़िया की फिल्म मैंने किया था, तो पवन जी थे उसमें हीरो, मैं विलन था, मोना जी थी, उपासना जी थी, और भी कई सारी फिल्में की हैं। तो बड़ी अच्छी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत, जिस भाषा में इन्होंने काम किया उसमें उन्होंने प्रूव किया है। तो इनके बारे में कहना क्या है, आएंगे तो फिल्म में कुछ इंटरटेनमेंट अपना पोर्शन ही देंगे, और अच्छा एक अच्छे लोग जब अच्छे किरदार जब जुड़ते हैं, अभिनेता जब अच्छा मिल जाए तो अच्छा ही होता है। इसमें तमाम जुड़े हुए जो अभिनेता सब अच्छे हैं, जो चाहे इसमें हमारे कोई एक्टर में सुशील जी हैं, संजय पांडे हैं, हमारी जो अपोजिट हैं वो अनीता रावत जी हैं जिन्होंने कई फिल्में मेरे साथ किया है, तकरीबन 8-10 फिल्में हो गई हैं उनकी, एक बहुत ही मजबूत अदाकारा इस इंडस्ट्री की हैं वो, एक चारित्रिक किरदार में जितना परिपक्व हैं उन्होंने, जितने तरह के अभी वेरिएशन वाले किरदार निभाए हैं, तो एक अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का एक आनंद आता है। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ कि सारे जितने भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं सब बड़े मजबूत हैं, सब बड़े सुदृढ़ हैं, अच्छे हैं, तो सिनेमा का रुख अच्छा ही होने वाला है। म्यूजिक को कितना महत्व दिया? यही रिलेटेड फिल्म है, नृत्य और संगीत से रिलेटेड है, तो म्यूजिक को पूरी तरह से महत्व दिया गया है, और इसलिए दिन रात म्यूजिक डायरेक्टर बैठे भी रहते हैं, उस पर मंथन करते रहते हैं। श्याम देहाती और आज़ाद दोनों मिल करके, वो बड़े अच्छे लिरिक्स राइटर दोनों रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और ये दोनों जब म्यूजिक वर्ल्ड में आए हैं तो जो भी फिल्में वो लोग कर रहे हैं बड़ा तहलका ही है, उनके सारे एल्बम सारे गाने, तो वो लोग इसमें संगीत दे रहे हैं तो अच्छा ही दे रहे हैं, गाने बड़े अच्छे हैं, कोरियोग्राफी इसके रामदेवन खुद ही इसके निर्देशक हैं तो कोरियोग्राफी अच्छी होगी। परफॉर्मर जितने मैं देख रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं सुशील सिंह जी, वो भी हैं, संजय पांडे हैं बड़ा अभी सशक्त विलेन है वो हैं, और उधारी है ही एक अच्छा डांसर, अनीता रावत जी हैं हीरोइनों में, शायद अभी चयन किन का हुआ है पोस्टर पे तो कौन कौन देख रही हैं, सनी जी के साथ मैंने काम नहीं किया इसलिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हीरोइनों का चयन अभी बचा हुआ है, दो हीरोइनें हैं अब जिनका हो जाए, बहुत डिटेल जानता नहीं हूँ, आज तो मुहूर्त के दिन में आया हूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसे किरदार को लोग ले लेंगे, खुद ही बहुत सोच समझ के तुलीप जी इस फिल्म को बना रही हैं, निर्माण कर रही हैं, रामदेवन के करियर में ये दूसरी फिल्म है, पहली तो रिलीज नहीं हो पाई इसलिए मैं कह सकता हूँ पहली फिल्म है, तो वो भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं, तो सारे किरदार जब अच्छे हैं तो हीरोइनों का चयन भी अच्छा होगा। मेरी फिल्म अभी रिलीज पे तो राज तिलक है, और रिलीज की बात कुछ नहीं है, क्या पत्थर के सनम है, मेरी जंग है, प्रयागराज है, और किस किस फिल्म का नाम लो मैं भूल रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप, पाकिस्तान क्या रखना चाहेंगे? ये गुजरात में ही कहीं रखेंगे, जो नियर अबाउट मुंबई, इसमें 40% कहानी तो मुंबई की है, जब वो हीरो हीरो बनने आता है तो मुंबई में कहानी शिफ्ट जब होगी तो मुंबई में ही होगी, बाकी 60% जितने विलेज के पोर्शंस हैं वो मेरे ख्याल से गुजरात में ही उसको तय किया गया है, जहाँ अच्छे लोकेशंस हैं, गुजरात एक तरह से भोजपुरी का एक दूसरा उत्तर प्रदेश बिहार बन चुका है, तो वहाँ पे हमने भी कई फिल्में की हैं और काफ़ी हिटेड फिल्में, मेहंदी लगा के रखना भी वहीं बनी थी हमारी, सेहरा बांध के आऊँगा भी वहीं बनी थी, तो गुजरात कहीं ना कहीं से हम भोजपुरी वालों के लिए एक अच्छी जगह है, पॉजिटिव जगह है, तो वहीं पे इस फिल्म की जो विलेज पोर्शन से वहीं शूटिंग की जा रही है, बाकी जो शहर का है वो बॉम्बे ही है। जी ज़रूर शुभकामनाएं देना चाहूँगा, सबसे पहले मेरे साथ इतने सारे चैनल सबको मेरा प्रणाम सलाम, मैं बबलू खान, ये फिल्म जो है उधारी सुपरस्टार, उधारी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, आदित्य जी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गुरु जी जो हर फिल्मों में हमको नचाते रहते हैं, रामदेवन सर, उनको मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगा,
और बस यही कहना चाहूँगा, ये फिल्म जो बन रही है इस एक मिसाल कायम करे, एक अच्छी सुपरस्टार जैसा नाम हो वैसा एक सुपर हिट हो। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, आप लोग मुझे चंबल बॉय के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पांचाली की है, पांचाली एज ए हीरो, और आज मैं यहाँ उधारी सुपरस्टार फिल्म की मुहूर्त में आ जाऊँ। एंड उधारी जी मेरी फिल्म पांचाली में भी थे, इज अ नाइस गाय एक्चुअली, और ऐसे ही मेहनत करें, कोशिश आगे बढ़ते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो है, इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी कोरियोग्राफर हैं, जो बेस्ट कोरियोग्राफर जिनको मैं मानता हूँ, तो वो रामदेवन जी आरडी सर हैं, स्टाइलिश कोरियोग्राफर हैं, तो उनके लिए बधाई। ये उनकी डेब्यू डायरेक्टर फिल्म है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही जैसे कोरियोग्राफी में बेस्ट किया उन्होंने, डायरेक्शन में भी बेस्ट करें। ऑल द बेस्ट टू हिम। और उधारी जी हैं, कुणाल जी हैं, सभी को, पूरी टीम को बधाई हो। और जी हाँ, सबसे पहले तो रामदेवन सर, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो मास्टर जी हैं, डांस गुरु हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। और जो प्रोड्यूसर हैं वो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी देख के, अच्छा स्टोरी सोच के ही पैसे लगाते हैं, तो आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी ही, क्योंकि इतने मजे हुए कलाकार हैं हमारे, आदेश मित्रा सर हैं, वो काफ़ी सीनियर कलाकार हैं इसमें, तो फिल्म ऑब्वियसली अच्छी बनेगी। और हमारे उधारी बाबू हैं एज एक्टर, वो अभी उनकी फिल्म लॉन्च हो रही, तो आप सब देखेंगे कि वो कैसे हैं, बट वो डांसर बहुत अच्छे हैं, तो आशा करती हूँ कि वो एक्टर भी बहुत अच्छे ही होंगे अगर उन्हें लिया गया है तो। मैं आपसे चाहूँगा, आप परिचय दीजिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। हेलो, मेरा नाम प्रीत कौर है, मैं पूर्णिमा मैम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ऑल टीम को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। मेरी तरफ से भी बहुत सारी बधाई, पूरी टीम को शुभकामनाएं। तो कुछ तो अपने बारे में बताइए कि क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या कर रही हैं। मैं अनुषा शर्मा, मैं टीवी कलाकार हूँ, फिल्मों में भी काम किया है, भोजपुरी से मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी मातृभाषा है, इसलिए मैं भोजपुरी से काफ़ी कनेक्ट हूँ, और भोजपुरी मूवीज भी मैंने किया हुआ है। अभी मैंने दिनेश लाल नेहरू जी के साथ फिल्म किया है, बहुत ज़्यादा भोजपुरी तो किया नहीं है, बट अच्छी कहानी आएगी तो मैं भोजपुरी करना चाहूँगी। मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और सीरियल किया है मैंने, टीवी सीरियल, मूवी, हिंदी मूवी, भोजपुरी एक्चुअली मुझे नहीं आता है, बट लेट्स सी, ट्राई कर सकती हूँ, थैंक यू। उधारी की नई फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, बहुत अच्छे डांसर तो है उधारी, लेकिन एक्टिंग में नया कदम रख रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे? नहीं, उधारी एक्टिंग में नया कदम नहीं रख रहे हैं। उधारी को अगर आप देखें तो उधारी मेरी फिल्म के हीरो थे, बिटिया छठ माई के फिल्म में उधारी हीरो थे। सही मायने में अगर उस फिल्म को देखूं तो मैंने एक कैरेक्टर निभाया था, मैं उसमें जो बेटी बनी है उसके पिता की भूमिका में था। तो उस फिल्म के अगर हीरो कोई हैं तो उधारी बाबू थे हीरो, और प्रीति सिंह हीरोइन थी। तो ये उधारी के उसके बाद की फिल्म है, और बड़ी खुशी है कि उधारी को एक बहुत ही अच्छी फिल्म मिली है जिसका नाम है उधारी सुपरस्टार। और इस फिल्म के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी है, कुछ बोलूंगा, लेकिन आपके सवाल के बाद। अगला सवाल प्लीज। किस तरह का फिल्म देखते हैं आप उधारी का? क्या आपने उनके साथ फिल्म भी किया है? हाँ, उधारी एक अच्छे अभिनेता हैं, और अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ वो सुपर क्लास के डांसर हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज डांस जब वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी लाइक जैसे बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, ये लोग बहुत, ऋतिक रोशन है, ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर डांस के मामले में देखें तो वो उधारी हैं। तो एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये फिल्म एक ऐसे कलाकार को लेकर के बनाई है, इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो डांस के ऊपर है, और डांस के लिए बधाई के पात्र वो निर्माता हैं जिन्होंने उधारी को इस रोल में, अपनी फिल्म में कास्ट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जब फिल्म बनाई जाती है तो रिकवरी पहले सोची जाती है कि उस स्टार को ले लो उसके नाम पे ये रिकवरी है, उस स्टार को ले लो उसके नाम पे ये रिकवरी है, उस स्टार को ले लो उसका ऑडियो वीडियो सैटेलाइट इतना आता है, उस स्टार को ले लो उसका ऑडियो वीडियो सैटेलाइट इतना आता है। किसी को फिल्मों से प्यार बहुत कम लोगों को होता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद रिकवरी करने का चलन नहीं है, इसीलिए शायद हम पीछे हैं।
मैं बधाई का पात्र मतलब इस निर्माता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक सिनेमा बनाते समय ये नहीं सोचा कि मुझे किसी स्टार को लेना है, उन्होंने सोचा कि मुझे एक फिल्म बनानी है, डांस के ऊपर है, तो उस कलाकार को लेना है जो परफेक्ट डांस कर सके, तो उन्होंने उधारी को चूज़ किया और ये परफेक्ट कास्टिंग है। उसके बाद एक और सबसे अच्छी चीज़ कह सकता हूँ इस फिल्म को कि चूंकि डांस के ऊपर फिल्म है तो फिल्म के निर्देशन की बागडोर उस इंसान को दिया गया है जो डांस के मामले में हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कोरियोग्राफी के मामले में प्रभु देवा जैसे हैं। उधर प्रभु देवा बहुत अच्छा डांस डांसर भी हैं, निर्देशन भी करते हैं, उनकी फिल्मों का जब भी आप निर्देशन देखेंगे तो उसमें डांस कुछ अलग लेवल पर होता है। तो यहाँ पे आरडी मास्टर रामदेवन जी को इस फिल्म का निर्देशन सौंपा गया है और निसंदेह जब वो दूसरों की फिल्म में डांस को एक अलग आयाम देते हैं तो अपनी फिल्म में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो चार चांद लगाएंगे। जी, कैसी फिल्म होगी अगर मैं कोरियोग्राफर इसमें डायरेक्टर है, एक डांस जो बहुत अच्छा डांसर है वो एक्टिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसी फिल्म साबित होगी? मैं बहुत खुश इस वजह से हूँ कि जैसे देखिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता था कि मैं अलग करने की कोशिश करता रहा हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और मैं वही एक आग यहाँ देख रहा हूँ कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो भोजपुरी में लगभग शायद मैं भी नहीं सोचूं कि इस तरीके की फिल्म बनानी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, आई एक्सेप्ट कि मैं बहुत अच्छा डांस नहीं करता हूँ। तो मुझे अच्छा क्या लगा कि जैसे हम बॉलीवुड में ABCD जैसी फिल्में बनती हैं, ABCD की कामयाबी के बाद ABCD 2 बनाई गई, अभी ABCD 3 बन रही है, तो डांस को बेस्ड करके हमारे बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, साउथ में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट भोजपुरी में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरीके की फिल्म बनाए। तो निसंदेह ये डायरेक्टर, निसंदेह ये प्रोड्यूसर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक अलग कथा विषय उठा करके एक अलग चीज़ को भोजपुरी में लाने की कोशिश की है। भोजपुरी में बदलाव की ज़रूरत है, हम कब तक वही ठाकुर ठाकुराइन, वही विधायक, वही गोली मारना, वही लहंगा चोली देखेंगे, कुछ अलग करने की ज़रूरत है और वो लोग कर रहे हैं, तो निसंदेह वो लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए अभी अभी मैंने जस्ट एक फिल्म कंप्लीट की है परवरिश, जिसमें मैं हूँ, मेरे अपोजिट में स्मृति सिन्हा हैं, मेरे छोटे भाई के रोल में इसमें रितेश पांडे जी हैं, रितेश पांडे के साथ मैंने दूसरी फिल्म की बड़ा सुखद अनुभव रहा, इसके पहले हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की थी, शिविका दीवान हैं और एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है अजय श्रीवास्तव जी ने, तो इसके पहले जस्ट मैंने अभी दिनेश यादव के साथ मोहब्बत की जंग कंप्लीट की है जो रिलीजिंग पे है, विजयी भव है, और अभी जस्ट मैं जिस फिल्म के शूट पे जाने वाला हूँ उसमें चार फिल्में हैं, एक मेरी हिट फिल्म का सिक्वल कंटिन्यू बन रहा है जिसमें कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 जा रही है फ्लोर पे, इसके बाद हमारी नागराज 2 जाएगी फ्लोर पे, और इंस्पेक्टर धाकर सिंह सबसे अहम भूमिका वाली फिल्म है मेरी, तो इन सारी फिल्मों पर काम चल रहा है, और अभी रिसेंटली एक इंसानियत का देवता वो फिल्म का फ्लोर पे फिल्म जाने वाली है, उसके शूटिंग में इन दिनों बिजी हूँ, और अभी एक बड़ी कमाल की फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है, 2 16 बरस की, मैं 17 बरस का, इसमें भी चैलेंज था कि चूंकि मैं 17 बरस का दिखता नहीं हूँ, लेकिन 17 साल के दिखाने के लिए मैंने अपने बाल छोटे करवाए, क्लीन शेव में आया हूँ, तो कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश की है, बाकी तो सब जनता जनार्दन है, अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। उधा के ड्रेस में हूँ तो एक्साइटेड तो समझ सकती हैं आप। हमारे साथ ये भी दूल्हा है, 1 by 1 गेट वन काका का जल अंग्रेजी बता, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ वो तो फिल्म देखम तब बुझे, अभी ना 80 रुपया खर्चा करे पड़ी, पहले ना बताइए जानी के। हाँ फिल्म पहले पहुँच जाओ। उधर बताइए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, चूँकि जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ तो हम रियल लाइफ में करी ला डांस को, आज वह कुल पार्ट्स रहा जो फिल्म स्थान, फिर से हाजी अली, फिर से मरीन ड्राइव, ये कुल हमने की जगह पर शूट करी है जा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलल हमारा के, क्या कि हम जब मुंबई में आई रहनी आज से 8-9 साल पहले, तो एगो फिल्म के शूटिंग चलते रहे जहाँ मास्टर जी कोरियोग्राफ करते रहनी और पवन सिंह भैया के हमारे कोरियोग्राफ करते रहनी, तो हम देखल रहनी तो कहनी कि काश हमरों के यहाँ के कोरियोग्राफ करती, तो ये मौका हमारा के प्राप्त भइल कि वहाँ के डायरेक्टर भी बनी है फिल्म के और कोरियोग्राफर भी बनी, तो बड़ा उत्साहित हम बहुत बनी। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का, साथ में हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे और उससे ज़्यादा एक्साइटेड थे शाम को मुहूर्त में आप लोगों के रूबरू आने के लिए, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करूँगा। तो
गांव से हीरो बनने आते हैं लड़के, वैसा कुछ है, लेकिन कुछ उसको परोसने का तरीका मास्टर जी का एक अपना है, उनका एक तरीका जो है जो कि स्टाइलिश कोरियोग्राफर कहलाते हैं। तो ये स्टाइलिश फिल्म होगी, मैं यहाँ तक बता दूँ सब लोगों को, ये स्टाइलिश फिल्म होगी और मास्टर जी हम दोनों पे ये कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, भले कहानी लगे टाइटल है उधारी सुपरस्टार मेरे नाम के ऊपर, लेकिन कहानी हम दोनों पे चलेगी और बहुत ही मतलब लगेगा जैसे आप लोग वो फिल्म देखे थे मैं तेरा हीरो, वरुण धवन भी थे और एक वो थे, तो लेकिन कहानी वरुण धवन के ऊपर चलती थी लेकिन हीरो वो भी थे, तो वही वाली कहानी है कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और स्टाइलिश कहानी है, स्टाइलिश डायरेक्टर हैं और हमारे कैमरा मैन दादा प्रिंस जी हैं स्टाइलिश, अवधेश बाबा हैं स्टाइलिश, इतने तो सब लोग स्टाइलिश हैं, इतने हम लोग दोनों लोग एकदम नए हैं तो स्टाइलिशों के बीच में फंसे हैं कुछ स्टाइलिश करने के लिए। देखिए इस सिनेमा को लेकर मैं अभी किरदार को तो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बहुत कहने के लिए मैं और उधारी इसमें स्टार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्क्रिप्ट अपने में स्टार है और किरदार ऐसा है कि अमूमन देखा जाता है दो लोग होते हैं, दो सिनेमा में कर रहे होते हैं, एक अलग पार्ट लेके चल रहा होता है, दूसरा दूसरे पार्ट को लेके चल रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट हमें छोड़ देना चाहिए ऑडियंस के लिए कि इनका क्या रोल है और मेरा क्या रोल है। चेंजिंग कुछ नहीं है, बस वो जो भी होगा मेरे स्टाइल में होगा, मास्टर जी के स्टाइल में होगा, चेंजिंग कुछ नहीं है, बस वही है हमारा स्टाइल देखने को मिलेगा आपको। जैसे नहीं सर, मैं एक्टिंग के बाद डांसर में आया हूँ, मेरी 2013 में एक फिल्म शूट हुई थी, 4 साल रुका, उसके बाद 2016 में रिलीज हुआ, तो पहले मैं एक्टर था, बाद में स्ट्रगल करने के लिए मैं यहाँ पर डांसिंग में ज़्यादा फोकस किया, तो लोग मुझे इंडस्ट्री वाले अधिकतर लोग मुझे डांसर समझे, लेकिन मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा यश भैया का जिन्होंने मुझे एक अपने फिल्म में हीरो का किरदार दिया, फिल्म का नाम था बिटिया छठी माई का, जो अभी फिल्म रिलीज हुई जिसको आप लोगों ने संस्कारी और पारिवारिक फिल्म का वो भी दिया था, तो उससे मैं फिर कमबैक किया एक्टिंग में 3 साल बाद और तब से गाड़ी चली पड़ी है। उसके बाद मैं राजकुमार पांडे सर का फिल्म किया, फिर अभी हम पूर्णिमा दीदी का फिल्म कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको माँ बोलता हूँ और सब दीदी बोलते हैं तो मैं भी दीदी बोलता हूँ। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जितना प्यार आपने मेरे सिनेमा महालंठ को दिया था और जिस सिनेमा का मैं हमेशा से इंतज़ार करता था, ऐसा नहीं है कि सिनेमा नहीं आए थे मेरे पास, लेकिन हमेशा से जिस सिनेमा का मैं इंतज़ार करता था करने के लिए, ये वो सिनेमा है। हमेशा एक बात चलती थी कि कंटेंट पे सिनेमा करना है और मैं सभी से वादा करता हूँ कि इसमें आपको कंटेंट कंटेंट और कंटेंट मिलेगा। प्रयास करूँगा कि आप लोग देखें और वही प्यार आशीर्वाद आप लोग मुझे दोबारा दें। जी हम रुआ सबसे गई नहीं हो रहा करब कि फिल्म बन जाता है उधारी सुपरस्टार, आज पहला दिन हम शूटिंग भी करने जा हमने के, मास्टर जी बहुत अच्छा लागल वहाँ संग काम करके, तो एगो हम अलग दना का हम स्टोरी कहीं बोला तरी मनी घुमा फिरा केने उन्हें होला, लेकिन ये स्टाइलिश सिनेमा हुई और हमारा उम्मीद बाकी रुआ सबके पूरा इंटरटेनिंग फुल मिली, 2 घंटा 30 मिनट 40 मिनट 17 मिनट की फिल्म हुई, इंटरटेनिंग फुल मिली, हमारे डांस देखे के मिली, यहाँ के दबा के एक्टिंग देखे के मिली, मास्टर जी के स्टाइलिंग तो बिल्कुल बा और पूरा फुल मसाला फिल्म दिया, तो वह सबसे नहीं हो रहा बाकी हमनियों के प्यार दी ही सब है और वह सब जितना पत्रकार भाई आए बनी वह सबसे भी नहीं हो रहा बाकी, वह सब जरूर फिल्म देखा काहे कि वह सब देखा तभी कुछ हमें कुछ भला हो सके। आज से स्टार्ट हो गया है लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं गुजरात में शायद 25 तारीख से 25 या 24 23 अभी कुछ सर देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, हालांकि मैं हूँ बलिया से और हम लोग जहाँ बलिया के हैं वहाँ पर कलाकार को पूजा जाता है, वहाँ पर जब फिल्म आती है तो ये कोई नहीं जानता है कि आज कौन कलाकार है कौन नहीं, आप किस कलाकार को डांसर हो चाहे एक्टर हो चाहे सिंगर हो आप किस तरह से फिल्म में प्रेजेंट करते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो हॉलीवुड के स्टार को नाम मैं नहीं जानता हूँ लेकिन हॉलीवुड फिल्म में देखता हूँ तो लगता है हाँ यार क्या फिल्म थी, हालांकि किसी भी स्टार का नाम पूछेंगे तो मुझे नहीं पता है, साउथ के स्टारों का नाम पूछेंगे तो मुझे पता नहीं है लेकिन फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है देखना चाहिए, तो उसी तरह ये भी फिल्म है, अगर कोई फिल्म देखेगा तो मुझे पूरी 100% गारंटी है वो पूरा फिल्म देखना चाहेगा, तभी हम दोनों हैं, नहीं तो आज मार्केट में बहुत बड़े स्टार लोग हैं, हम दोनों लोग स्टार नहीं है एक्चुअल में, इस फिल्म का स्टार कोई है तो सिर्फ कहानी और डायरेक्टर और कोई स्टार नहीं। म्यूजिक और गाने कैसे हैं? म्यूजिक श्याम देहाती जी और आजाद जी की है तो समझ सकते हैं। थैंक यू। जा रहा है क्या कहना चाहेंगे?
इस फिल्म के बारे में और किस तरह की भूमिका इस फिल्म में होगी? मेरी इस फिल्म के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें एक नया कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलने वाला है और साथ ही एक नया डायरेक्टर भी मिलने वाला है, जो कि एज अ कोरियोग्राफर तो बहुत हिट है, एज अ डायरेक्टर रामदेवन जी के साथ मेरी पहली फिल्म होगी और एज अ कोरियोग्राफर बहुत सारी फिल्में की हैं, तो ये दो दो मतलब ये तो आइटम बम वाला एक्साइटमेंट है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि रामदेवन जी के डायरेक्शन में ये फिल्म मैं करने जा रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। बना दिए सब लोग। एक्चुअली डायरेक्टर ही दूल्हा होता है मेन, तो जो सारे दूल्हों को सजाता है सही तरीके से, तो अच्छा है कि डायरेक्टर स्मार्ट और हैंडसम है हमारा। जी, सबसे पहले सारे भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत सारे प्यार दिए एक साउथ इंडियन को आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत फिल्म के बारे में कहूँ तो बहुत अच्छी फिल्म है और प्लस पॉइंट ये है कि एक कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहा है और मेरा हीरो खुद एक कोरियोग्राफर है, ये बड़ा अच्छा लगा। और गाने इसमें बहुत साउथ का झलक मिलेगा आप लोग को, जैसा अल्लू अर्जुन का डांस है। आज तक मुझे भोजपुरी में कोई कलाकार नहीं मिला जिसको मैं प्रभुदेवा बना सकूँ। इस फिल्म में एक हीरो को बनाऊँगा अजय देवगन, एक को बनाऊँगा प्रभुदेवा। स्टारकास्ट देखिए, बच्चे लोग नए हैं, उदारी नया लड़का है लेकिन लोग जानते हैं उसे। और दूसरा हीरो भी एक फिल्म कर चुका है महालैंड, और दोनों का कैरेक्टर भूमिका अलग है। और इस फिल्म के जो माँ बाप हैं, जो बड़े हैं, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे जी, सुशील सिंह जी, सारे मंजे हुए कलाकार हैं, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत बनाऊंगा इसे। जैसे मेरे 3 मिनट के गाने आप लोग 200 मिलियन 400 मिलियन पहुँचाते हैं, प्रार्थना करूँगा आप लोगों से मेरे फिल्म को भी उतना आशीर्वाद प्यार दें। इस फिल्म में संजय सर सबको नचाएंगे, इतना बड़ा किरदार है इनका। अवधेश मिश्रा को भी नचाएंगे ये, सुशील सिंह को भी नचाएंगे ये, इतना बड़ा किरदार है इनका। हाँ, ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि मैं शायद, जहाँ तक मुझे कहानी के बारे में पता है कि इस फिल्म में नेगेटिव मैं ही हूँ, ये दोनों लोग पॉजिटिव किरदार में, दोनों पॉजिटिव। हाँ, तो मार खाने का जिम्मा इकलौता मुझे ही दे दिया मास्टर जी ने। इन दोनों लोगों को बहुत सेफ जोन में रखा गया है कि बिल्कुल पिटेंगे नहीं, बट अच्छी बात है कि, और हम शायद, हमने एक ही फिल्म की थी, 2 फिल्में हम साथ कर चुके हैं जिसमें हम तीनों लोग हैं, जीना तेरी गली में, रासतिलक, और ये इतनी फिल्मों के बाद ये 3री फिल्म है जिसमें हम तीनों एक साथ दिखेंगे, और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की बात है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एक दिन में 5 लोकेशन शूट किए हैं, जिसमें से फिल्मिस्तान गोरेगांव का, आदर्श नगर जो स्ट्रगल एरिया है रियल भोजपुरी लोगों का, 3rd हम लोग जूह चौपाटी, 4th बैंड स्टैंड, 5th ताजियली, 6th सिद्धिविनायक, इतने लोकेशन आज हम लोग एक दिन में शूट करके आए हैं। वेरी गुड, काफ़ी हीरो मेहनती है और मैं तो मेहनत से पीछे कभी हटता नहीं हूँ, और कोरियोग्राफर को कोरियोग्राफर मिला तो कुछ हंगामा करूँगा। म्यूजिक पे अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मजाक हो जाएगा म्यूजिक के साथ। म्यूजिक मैंने एक ही लाइन में बोला था कि इस पिक्चर में मेरा हीरो जो है अल्लू अरविंद के स्टाइल में दिखेगा, फुल टू डांस के साथ। क्या बात है। मेरा नहीं होगा, लेकिन पूरे फिल्म का एंड में एक गाना होगा जिसमें अक्षरा सिंह जी नाचेंगी, और जैसे मैं हूँ ना ओम शांति ओम में फराह खान करती है, उस तरह का पूरा यूनिट स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, कलाकार से लेके उनके स्पॉट बॉय तक, सारे लोग एक साथ एक गाने में नजर आएंगे जिसको स्पेशल सॉन्ग बोला जाएगा। आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं, आप लोगों का प्यार है जो आज आप लोगों ने मुझे इस कदर इतना नवाजा है प्यार। इस फिल्म में भी सनी लियोन होगी। नहीं, बट लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लाइक कि अच्छा आप सनी बोल रही हैं? हाँ मैं सनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, लाइक कि वो कंफ्यूज हो जाता है, आई एम गर्ल अ बॉय। नहीं, बताती हूँ, मैं ही सनी बोल रही हूँ। नहीं नहीं, सनी के इस फिल्म में एक
एक बड़ी देसी टाइप की भूमिका होगी जो कि बोल्ड और देसी का कॉम्बिनेशन होगा। आई होप कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं खुद ही फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर प्ले करने जा रही हूँ जो मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो बट ऑब्वियस ऑडियंस को भी डिफरेंट लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम आप क्या कहेंगी फिल्म के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने पंजाबी एक्ट्रेस, सो फर्स्ट टाइम भोजपुरी, हाँ लव दिस कल्चर इवन लैंग्वेज, सो या और मेरा जो इसमें एक करेक्टर है वो एक मॉडर्न है कि या आई एम अ सुपर स्टार, सो लाइक दिस हाँ, सो आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज एंड फर्स्ट टाइम है, सो आई थिंक सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सो थैंक यू। मतलब भोजपुरी आपको पसंद है इसलिए आप ये फिल्म कर रही है? या आई लव भोजपुरी, या मतलब कल्चर हो या कुछ भी लैंग्वेज हो, सो फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इन भोजपुरी, सो आई डू माई बेस्ट। आपको पता है भोजपुरी बोलना है? लिटिल बिट। फिल्म के लिए आप? या माय ग्रूमिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर फिल्म, बिकॉज आई एम पंजाबी मतलब एक्ट्रेस, सो लिटिल बिट हार्ड फॉर मी, बट या इट्स ऑसम। खाओ खालवा लाइक दिस हाँ सनी को तो बहुत अच्छी जी बिल्कुल। कुछ कहिए अब आप लोग के प्यार दुलार बा और इससे ज़्यादा का कह सकी ना। सर कुछ तैयारी कर रही है बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग होगा ये? जी हाँ, इस ये फिल्म का जो मेरा किरदार है वो बाकी फिल्मों से अलग है, तो मैं इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसका मैं सीक्रेट अभी आपको लोगों को बताने वाली नहीं हूँ, बिकॉज वो आपको फिल्म में देखना है अगर आप, बट वैसे पूजा सेट पे आने वाली है बिल्कुल। हाँ तो पूजा खुद देखेंगी, आप लोग भी आइएगा और आप लोग देखिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा वजन बढ़ा रही हूँ, लाइक कि कैरेक्टर वैसा है कि मुझे थोड़ा सा वजन बढ़ाना है, तो लाइक कर रही हूँ। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है जब आप वजन बढ़ाने की बात करते हैं? तो मेरा नाम मत लेना। आप ही है हीरोइनों में से? नहीं लाइक कि हीरोइनों में तो मुझे सनी लियोन बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, और लाइक उन जब वो फर्स्ट फिल्म में आई थी जिसमें टू उनका वेट ज़्यादा था, लाइक अब उन्होंने कम कर लिया है, तो आई विश कि मैं अच्छी लगूंगी वेट बढ़ने के बाद, तो मैं सनी जी से इंस्पायर हूँ। ये मेरी पांचवी छठी फिल्म है। अच्छा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भोजपुरी में जनरली चल रहा है, बच्चे आते हैं स्ट्रगल करते हैं तकलीफ में रहते हैं, यहाँ आकर क्या वो झेलते हैं, बेसिकली ये स्टोरी मैंने अपने हिसाब से देखी थी, तो मुझे ये बच्चा मिल गया उधारी, मुझे नाम भी सूट किया, मैं बोला चलो टाइटल ही रख देते हैं उधारी सुपरस्टार। इसकी बेसिकली अपनी लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ पे ही हर बंदा फील करेगा अपने लिए कि सर ये मेरी लाइफ है जो मैंने स्ट्रगल देखा है, उधारी सुपरस्टार ये है। नहीं आखिर आपको आपको ऐसा क्यों लगा कि ये उधारी रोल के लिए परफेक्ट बैठ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगलर्स की या फिर नए लोगों की तो दुनिया में कोई कमी नहीं है? नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमने साथ में काम किया, ऐसे ही बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, उधारी ने अपनी लाइफ बताई कि दी मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है, कुणाल से बात हुई, कुणाल से मैंने चलो एक फिल्म बनाते हैं, इन्होंने मेरे साथ एल्बम की है, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है, ही इज़ अ गुड डांसर बाय नेचर, ही इज़ वेरी नाइस, कर सकता है लाइफ में, और बेसिकली मैं यूपी से हूँ तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। उधारी जी क्या ये आपकी ज़िंदगी की कहानी होगी उधारी सुपरस्टार? सबसे पहले आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम, लोगों के फिर प्रणाम, देर सेल बनी। उधारी की कहानी ना हमारा हिसाब से जो भी अगर लड़का जीरो लेवल से स्ट्रगल कर स्टार्ट कर लो ना बम्बई में, उस सब लड़का कहानी है उधारी सुपरस्टार, और बस ये बात बताने का हम एगो हिंद खाती कि सबका कहानी बा उधारी की कहानी के। अच्छा अक्सर जब लोग सुपरस्टार होते हैं तो उनके बाद उनके स्ट्रगल की कहानियों को मुझे लगता है कि जब सही पहचान शायद उनके सुपरस्टार बनने के बाद की होती है। माना उधारी से बहुत इनिशियल है, बहुत शुरुआती दिन है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल का सबसे बुरा फेस क्या था उधारी? बुरा फेस ये था कि एडिटिंग स्टूडियो में मैं खाना खिलाकर लोगों को आ रहा था और मैंने गोबर के बाजू में से एक बड़ा पाव उठा के खाया, इससे बड़ा बुरा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि ये बताने वाली बात नहीं है और ये फिल्मी बात ही नहीं है, मैं भगत सिंह नगर में रहता था, भगत सिंह नगर आप लोग जानते ही होंगे, और मैं एमजी रोड से एक दिन में एक डांस क्लास कराता था, मुझे एक घंटे का 300 रुपये मिलता था, 300 रुपये में मुझे मैं कहीं जाता था तो 12 रुपये लेके जाता था,
जुहू के लिए। रेंट 12 रुपया उस समय लगता था एसबी रोड से, अरे नहीं वो बस का, वो 12 रुपये मुझे बचाना होता था। फिर मुझे कुछ खाना होता था 250 रुपये में, मैं लोगों को सैंडविच और वो सब खिलाता था। खिलाने के बाद कुछ दिन ऐसे बीता, खिलाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, और जिस घर में मैं पीजी में रहता था, अगर मैं 20 रुपये नहीं देता था तो मुझे मेरे लिए खाना नहीं बनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगा था, मैं लोगों को सैंडविच खिला के आया, और मैं खुद एक सिद्धार्थ नगर एक चौक है मोतीलाल नगर में, उधर आप देखेंगे गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पर एमजी रोड से आ रहा था और गिर गया, और मुझे इतनी तेज भूख लगी, इतनी तेज प्यास लगी, मैं क्या बताऊँ। मैं एक गोबर के बाजू में पाव था शायद, वो गोबर के नहीं कहूँगा, गोबर गणेश जी का रूप होता है, तो गणेश जी ने मेरे लिए वो पाव रखा, मैं खाया, तो वो था। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप सबसे शेयर किया। वो दर्द मैं आंखों में देख सकता हूँ उधारी के, कभी ऐसा लगा कि सच में छोड़ देना चाहिए, शायद स्ट्रगल बहुत ज्यादा हद तक हो गया है, अब कुछ और करना चाहिए, सर ऐसा फील हुआ? सर छोड़ना तो छोड़िए, एक से एक धमकियां भी आती थी मुझे, कुछ कांड हो गया था इसके लिए, कांड मतलब इससे कि हमारी जो फिल्म बनी थी बलिया के दबंगई, उसमें कैसे कैसे वो फिल्म बना था, कैसे कैसे मैं उस चीज़ को आगे लेकर गया, फिर कंप्लीट तक पहुंचवाया, तो उसके बाद लोगों ने धमकी दिया कि तुमने फिल्म कंप्लीट क्यों करवाया, तुम तो एक एक्टर हो, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, प्रोड्यूसर कोई और है, ये हो। मेरी पहली फिल्म थी, मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा, क्योंकि मैं जो फिल्म बनाया था वो मेरे जानने वाले थे, हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, मैं कहीं ना कहीं प्रे करूँगा कि वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। सर वो जिंदा थे तब तक या आज वो नहीं है तब तक, आज मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छाई होगी जो मेरे लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाई जा रही है भैया के लिए और मेरे लिए, कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगा। जहाँ तक आपके बीच में पंकज भैया आए हुए हैं, वो भी जानते हैं पूरी कहानी को, स्टील फोटोग्राफर जो है। सर एक दौर एक ऐसा आया था ना कि मैं भांडुप स्टेशन पे मेट्रो मॉल के बाजू में बैठा था, और मैं सोच रहा था मैं अब सुसाइड करूँगा जो लास्ट ट्रेन आएगी। क्यों? स्ट्रगल इस कदर हो गया था ना सर, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, यहाँ तक कि मैं पहले डेकोरेशन करता था, उसकी एक लास्ट कमाई की मैं मोबाइल रखा था अपने पास, मोबाइल मेरे पास लास्ट डेकोरेशन की कमाई थी 2013 वाली। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी दीदी, आज हो रहा है तो बोल ही देता हूँ, भैया पूछ रहे हैं, हालांकि हमेशा इंटरव्यू लेंगे नहीं है मेरा। तो क्या हुआ कि मैं किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जिस रूम में रहता था उन्होंने बोला कि भाई आपको रहना है तो किराया देना पड़ेगा। वो लास्ट मेरी डेकोरेशन की कमाई थी, मैंने मोबाइल को 12,000 की मोबाइल मैंने 2,500 रुपये बेचा, और 2,500 रुपये किराया दे दिया उनको किराए के रूप में। 14 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं थे, उसी बीच में मेरी फिल्म के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे, मैं दर दर भटकता था, उस समय डांस क्लास भी मेरे बहुत कम चलते थे, और एंड ऑफ द मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि अब बेटा तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है, और लोगों के पास जाता था ना जिनके पास कि मुझे काम चाहिए, उनके अनाप शनाप डिमांड्स, हालांकि मैं उनका कुछ आज वजूद भी नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अनाप शनाप डिमांड्स होते थे जो कि मैं पूरा नहीं कर सकता था। तो ऐसा लगा कि बेटा अब तुमको आज सबको मोह माया छोड़ के आज ख़त्म है तुम्हारी दुनिया, लेकिन उस आदमी का भला हो जिसने मेरे ऊपर टार्च बोला गाड़ी का लाइट बारा, और मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं 12 से निकले हुए थे मतलब वाइन वाइन करके, लेकिन बेचारे ने पूछा, मराठी बंदा था, उस बंदे को थैंक यू कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस बंदे का भी कहीं ना कहीं हाथ है। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, शायद आपके लिए वही रूप था। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, कुणाल से पूछता हूँ, यार इमोशनल कर दिया इसने। कुणाल बेसिकली जब फिल्म में उधारी सुपरस्टार है तो फिर कुणाल कौन है? देखिए अगर उधारी है, मैं बताता हूँ, सुपरस्टार यही है। तो बेसिकली उधारी सुपरस्टार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उधारी सुपरस्टार में उधारी मेरा एक छोटा भाई है, ये कहानी में नहीं है, ये आम जिंदगी में है हम लोगों के। और स्ट्रगल के दौर में जब स्ट्रगल चल रहा था अच्छे सिनेमा का, कि अच्छा सिनेमा कहाँ से मिले, उस दौरान हम लोग साथ मिले थे, और हम लोगों का एक प्रयास था कि किस तरीके से कुछ नया काम किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए, जब काम करना है तो अच्छे कंटेंट पे काम करना है। तो मेरे लिए तो वही स्ट्रगल बहुत बड़ा हो गया था, रोटी तो मिल रही थी मेरे को, लेकिन स्ट्रगल यही बड़ा हो गया था कि अच्छा काम कहाँ से मिले। प्रोड्यूसर मैडम, आप एक फिल्म बना रही हैं उधारी को लेकर, उधारी को सुपरस्टार बना रही हैं, मुझे पता नहीं उधारी की किस्मत जाने आपकी फिल्म में, उधारी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इसीलिए उसके लिए सुपरस्टार फिल्म बनाई जा रही है। ये हमारी माँ है, तो माँ की नजर देख रही है। नहीं नहीं, मेरा लड़का सुपरस्टार है, उसमें हर वो क्वालिटी है जो एक हीरो में होनी चाहिए, कलर पे और हाइट पे मत जाना। लेकिन वो सच में एक अच्छा हीरो है, और इसे एक अच्छा कोरियोग्राफर प्लस डायरेक्टर दे रही हूँ इस फिल्म के लिए, जो बहुत जरूरी है।
हमारे रामदेवन सर, इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 500-700 फिल्में की होंगी, लेकिन इस फिल्म में ये डायरेक्टर हैं। बेसिकली डांस बेस्ड फिल्म है, तो हमने सोचा कि ऑर्डिनरी कोई डायरेक्टर हो इससे अच्छा कोरियोग्राफर को ही डायरेक्टर क्यों ना बना दिया जाए, मेरा सौभाग्य। और पहली बार इतिहास में होगा एक कोरियोग्राफर को दूसरा कोरियोग्राफर डायरेक्ट करेगा और कुछ भूचाल आएगा डांस में, लाइक अल्लू अरविंद, प्रभुदेवा, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, उस लेवल का डांस इस भोजपुरी इस फिल्म में मिलेगा आप लोगों को। बेसिकली भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग एक अच्छा डांसर देने जा रहे हैं। अब तक सिंगरों का जमाना था, अब डांसर राज करेंगे। यस, अब डांसरों का जमाना है। भाई डांसर बुरा मत, सिंगर लोग बुरा मत मानिए, हमारे महतारी को आता ही है। नहीं नहीं, दौर सबका आता है, अच्छे बुरे सिंगर भी हिट थे। जितने सीनियर स्टार हैं सब मुझे ब्लेसिंग देंगे, टेंशन मत ले, सब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। खेसारी भाई बहुत मानते हैं मुझे, दिनेश भैया तो जब मिलते हैं वाह वाह आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि फोन भी मेरी कम मुलाकात होती है और उम्मीद है कि जब मिलूंगा तो आशीर्वाद उनसे भी लूँगा। तो बाकी सब हैं आप और हमारे राइटर साहब, उनको भी बुला लीजिए। सिनेमा अपने आप में एकदम अलग सिनेमा है और पहली बार ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग डांस बेस्ड एक सिनेमा बन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपकी सोच ऐसी नहीं थी, पहले तो आप मारधाड़ वाली फिल्में बनाते थे। भाई राइटर हूँ, उसके पहले मेरे पे ध्यान नहीं गया होगा। राइटर को डायरेक्टर जो मांगता है, प्रोड्यूसर जो मांगता है, वो करना पड़ता है। तो इसमें भी और इस कहानी के बारे में मैं बता दूं कि ये कहानी सोच हमारी मैडम की है, वन लाइन इनका है, मैंने सिर्फ उसको डेवलप किया। मुझे पता है भोजपुरी में पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, डांस बेस्ड फिल्म थी, दो तीन फिल्में आई थी, नचनिया मुझे याद है, अच्छी अच्छी कहानी थी, बट बहुत अच्छा नहीं कर सकी मनोज जी। भोजपुरी सिनेमा में डांस बेस्ड फिल्मों के लिए कितना स्कोप नजर आता है, आप राइटर बेहतर जानते होंगे। देखिए क्या होता है कि ये आप मुझसे कई बार ये सवाल कर चुके हैं और मेरा जवाब हमेशा यही रहा है और आज भी यही होगा कि कहानी वही 10 होती है। अच्छा, जिस तरह से 9 रस होते हैं, 9 को मिला के 10वां रस होता है, उसी तरह से वही कहानियां होती हैं, उसका प्रेजेंटेशन नया होता है। तो इसके पहले डांस बेस्ड फिल्म बनी, उनका अपना एक प्रेजेंटेशन था, ये हमारा एक अलग प्रेजेंटेशन है जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आप खुद भी इसमें डांस करते हैं, अभिनय करते दिखाई देंगे? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पूरी फिल्म में ये नाच रहे हैं पूरी, तभी तो हम लोग नाचेंगे, ये नचाएं हैं, नाचेंगे। मैं पर्दे के पीछे का कलाकार हूँ, पर्दे के ऊपर के कलाकार को आकार देता है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं जी, अभिनय आपको अच्छी तरह से आता है, ना करें वो अलग चीज है जी जी, बट देखना चाहेंगे हम आपको कभी भी पर्दे में, उसके लिए आपको रंगमंच तक आना पड़ेगा, अभिनय का शौक आज भी है। अच्छा, रंगमंच आप बोल रहे थे पप्पू प्रोडक्शन करेक्टर है आप कर रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं। महादेवन सर कोरियोग्राफर, महादेवन करेक्टर है जो कर रहे हैं मनोज जी, पप्पू प्रोडक्शन पप्पू प्रोडक्शन एक बहुत यूनिक है और वो कलाकार क्या है वो पर्दे पे दिखेगा, ये दर्शकों के लिए एक सरप्राइज रहने दें। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, उसमें ऐसे दिखेंगे कि जब आपने कैसे ऐसे प्रोडक्शन वाला कहीं नहीं देखा होगा। देखिए इस सिनेमा के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिनेमा का जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो अमूमन फिल्में बनती हैं उन्हीं को लेकर एक कटाक्ष है, जो फिल्में बनती हैं उन्हीं को लेकर कटाक्ष है। अब वो क्या है ये आपको सिनेमा में देखने को मिलेगा। कब तक महादेवन सर फिल्म देख पाएंगे हम? रामदेवन, रामदेवन, रामदेवन सर, सॉरी सॉरी सर, कब तक देख पाएंगे फिल्म? आनंद जी नाश्ता की नहीं किए, गर्मी ने उनको बर्बाद कर दिया है बार बार। दोनों भगवान का ही रूप है मेरे लिए, तो राम हो चाहे महादेव हो जी, बताए सर कब तक फिल्म आ जाएगी रिलीज? दिवाली के पहले, दिवाली के पहले जी। हम लोग करेंगे सिलवासा प्लस मुंबई, मुंबई प्लस सफाले प्लस संजान। गाने के लिए हम लोग आउटडोर, गाने के लिए राजस्थान जाएंगे, नया लोकेशन लाएंगे। सर साउथ में कभी भोजपुरी फिल्म को नहीं शूट करते? अब करेंगे, अपने प्रोड्यूसर को ही वहाँ जाते नहीं है। नहीं, अब करेंगे क्योंकि ज्यादा ज्यादा साउथ का डायरेक्टर आ गया है, विल गो, डेफिनेटली विल गो। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।